इधर दर्द है? नहीं नहीं है ना। जहां भी दर्द हो वहीं बता देना, ठीक है? इधर कोई दर्द नहीं है, इधर कोई दर्द है? नहीं है। इधर नहीं है, इधर कोई दर्द है? नहीं है। इधर दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। लेकिन नाभि आपकी जो है वो ये है, जो आपकी धरण है ना, जी हुआ था, ठीक है? और उसी की वजह से क्या हो रहा है, ये दर्द है ना, पूरा ये पूरा ही दर्द है, करेक्ट ना? और ये वाला भयंकर दर्द हुआ था, एकदम कड़क हो गया था, एकदम। यस, मतलब कुछ भी खाते यहाँ ऐसा लगता है जैसे अटक गया और दर्द स्टार्ट, ऐसा ही ना? तो कोई टेस्ट वगैरह कराया था आपने? साथियों, पिछले 8 साल से पेट की समस्या, 15 किलो वजन कम हो गया और शरीर का एकदम बेड़ा गर्क हो गया है। अभी पूरा माइंड जो है वो पेट में लगा रहता है, माइंड अच्छे से काम ही नहीं करता। अपने साथ में जो सज्जन है वो नैनू सिंह जी, डिस्ट्रिक्ट पाली राजस्थान से हैं और जिनकी उम्र मात्र 28 वर्ष है। अगर आप उनको एक बार ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पेट की समस्या ने उनकी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर जो है बहुत बिगाड़ दिया है। यानी सिर्फ और सिर्फ पेट की अगर बात करें तो हर समय घबराहट, बेचैनी, भूख नहीं लगती, कब्ज रहती है, और जब इतनी सारी समस्या होती है तो माइंड तो ऑटोमेटिकली पेट में लगा रहेगा। अभी जब चेक किया है तो उनकी धरण जो है यानी नेवल जो है वो डिस्प्लेस है, और उसकी वजह से ये नले जो हैं ये बहुत सख्त हो गए हैं। और इसको आपको समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग जब पेट में समस्या होती है तो कोई भी मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मेडिसिन लेते 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 जब फर्क नहीं पड़ता तो वो मेडिसिन कहीं ना कहीं अपना साइड इफेक्ट आपके ऊपर छोड़ने लग जाती है। जैसे मेडिसिन लेने से पहले आपको कोई गैस या एसिडिटी की समस्या नहीं हो रही थी, लेकिन मेडिसिन लेने के बाद ये गैस और एसिडिटी आ गई, फिर आपका पेट साफ होना बंद हो गया, पेट साफ नहीं हो रहा। अब पेट साफ होने के लिए और मेडिसिन ऐड करेंगे आप, तो वो कहीं ना कहीं आपकी समस्या जो है वो बढ़ रही है, और मेडिसिन जो है वो अपना पूरा इफेक्ट जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा पा रही। उस कंडीशन में आपको जरूर अपनी नाभि, नली, कौड़ी, धरण ये सब चेक करनी चाहिए। इसमें कोई नुकसान नहीं है चेक करने में, क्योंकि कई बार नाभि नले धरण की समस्या जो है ये इतनी ज्यादा एग्रीवेट हो जाती है यानी उग्र हो जाती है कि आपकी पूरी बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब कर देती है। साथियों, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि जितने भी हमारे युवा साथी हैं जो 17-18 साल से लेके 35 साल की उम्र के लोग हैं वो इस प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं, ठीक है? तो जरूर एक बार आप ध्यान दें नाभि पर और नलों पर, और ध्यान देंगे तो ये समस्या से आप ही नहीं आज का हर एक युवा जो है वो छुटकारा पा सकता है, निजात पा सकता है। तो अभी हम इनका पेट जो है वो सेट करेंगे, और पेट सेट करने के बाद तो फिर नैनू सिंह जी एक बार हमें बताएंगे कि पहले मेरा पेट जो है वो बहुत कड़क हो रहा था और अभी मेरा पेट कैसा फील कर रहा हूं मैं, ठीक है? आइए देखते हैं। ये पूरा टाइट हो रहा है ना, हाँ जी, है ना? और अभी टच करने से दर्द भी हो रहा है, होता होता है ना होता है।
लूज छोड़ दो पेन, बिल्कुल लूज छोड़ो। उल्टे ले लो, पेट उठाओ, पैर मोड़ो दोनों, सीधे पेट को दबा के देखो कहां दर्द है, अभी नहीं हो रहा सर, अभी नहीं हो रहा, नहीं, लेकिन आवाजें बहुत आ रही हैं पानी की, आवाज आती है, आती है ना, पैर मोड़ो दोनों, दर्द तो नहीं हो रहा, दर्द नहीं हो रहा, कहीं जो भारीपन लग रहा था वो नहीं लग रहा, पैर मोड़ो दोनों, आपके साथ में कुछ है खाने के लिए बैग में आपके में नहीं है सर, अच्छा ठीक है।